Hey guys, welcome back to my channel. And in today's video, I will be sharing a club factory haul with you guys. जिनको नहीं पता उनको बता दूं, क्लब फैक्ट्री बेसिकली एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है, बट अगर आपको ऑर्डर करना है तो अपने फोन पे आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी क्लब फैक्ट्री की. एंड उससे आप जितना भी स्टफ है, ब्यूटी गैजेट्स एंड ऑल, वो आप परचेज कर सकते हैं. सो बेसिकली इट्स एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन. और पहले उस एप्लीकेशन पे काफ़ी ज़्यादा होता था कि शिपिंग एंड ऑल आपको चार्जेस पड़ते थे, बट नाउडेज सिंस रणवीर एंड मनुषी आर गिविंग यू नो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट एप्लीकेशन, तो अब शिपिंग जीरो है बिल्कुल. नो मैटर आप 60 रुपीज़ का सामान मंगाए या 70 रुपीज़ का, थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ है उनका, बट आई फील द प्रोडक्ट्स आर ओके. सो आई विल बी शेयरिंग जो जो मैंने ज्वेलरी स्टफ वहाँ से मंगवाया था. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई परचेज वॉज दिस. ये एक नेक पीस है एंड आई होप यू गाइज कैन सी इट प्रॉपरली. इसकी फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. ये मैंने आई गेस अपनी एक वीडियो में पहना भी था एंड दिस लुक्स कूल. जितने भी प्राइसेस होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक आउट द लिंक एंड द प्राइस टू. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था वो एक रिंग थी, बोर नॉट रिंग थी. बहुत क्यूट है, मुझे थोड़ी सी अलग लगी. आई मीन आई डोंट फील कि इतनी फिनिशिंग वगैरह क्लासी नहीं लगती है, बट इट्स ओके. आई मीन दैट्स फाइन. मैंने आई गेस अपनी कजन की वेडिंग पे डाली थी एंड इट लुक्स कूल. आई वुड से 50-50, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है. इसमें एक गोल्डन कलर था, आई गेस रोज गोल्ड कलर भी था, सो यू गाइज कैन चेक आउट द कलर्स टू. बट दिस वॉज ओके. फिनिशिंग मतलब थोड़ा सा दबा दबा सा मुझे लगा, बट इट वॉज ओके अकॉर्डिंग टू द प्राइस. और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, आई डोंट थिंक 200-250 से ऊपर होंगे, उससे नीचे ही होंगे सारे. अब प्राइस बढ़ गया हो तो आई डोंट नो, बिकॉज मैंने पहले भी कुछ स्टफ खरीदा था. सो आई शेयर मोर. चीज़ जो मैंने परचेज की थी वो एक पेयर ऑफ एयरिंग्स थे, बेसिकली ऑक्सीडाइज एयरिंग्स थे. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं इफ़ यू वेयर विद योर रेगुलर स्टफ. रेगुलर आप ओकेजनली या रेगुलरली आप इसको पहन सकते हैं एंड द फिनिशिंग इज़ गुड टू. ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और आई गेस आजकल क्लब फैक्ट्री पे सेल भी चलती है एक टाइम जोन के अकॉर्डिंग, एज इन 8, 10 to 12, देन 2 to 7, ऐसे कुछ टाइम है उनका, आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट पेयर भी मैंने एक ईयरिंग्स का ही खरीदा था एंड वो पेयर टैसल ईयरिंग्स हैं बेसिकली, ग्रीन कलर के लाइक दिस. ये बहुत ज़्यादा मुझे प्रिटी लगे थे. इनमें ये जो गोल्डन प्लेट्स लगी हुई हैं, आई रियली लाइक इट. और इनकी फिनिशिंग भी, टैसल्स बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल भी दबे हुए नहीं हैं. दे लुक वेरी नाइस वंस यू वेयर देम. आप रेगुलरली पहन सकते हैं या डिपेंडिंग आप ड्रेसेस वगैरह के साथ पहन सकते हैं. इसके बाद मैंने एक ईयर कफ खरीदा था. ईयर कफ मुझे अच्छा लगा देखने के लिए एंड दिस वॉज द ईयर कफ दैट आई परचेज्ड. आई लाइक्ड इट बेसिकली, बट मुझे ये जो ऊपर गोल्डन सा है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट देन अगेन इट्स ओके. आई मीन अगर आपने कभी कभार पहनना है, इफ यू आर गोइंग आउट समवेयर यू कैन वेयर दिस, सो इट वॉज एन ओके प्रोडक्ट. जो नेक्स्ट पेयर मैंने खरीदा था वो भी एक ईयर रिंग्स का ही पेयर था और वो मैंने पहना भी हुआ है. होप यू गाइज कैन सी इट. ये बहुत ब्यूटीफुल सा बोनॉट है, ब्लू कलर का है एंड इट लुक वेरी नाइस इन द पिक्चर. बिल्कुल वैसा ही मुझे आया, बट द ओनली थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी कि जो इसके पीछे पिन होता है वो बिल्कुल बेंड था और मुझे उसको खुद सीधा करना पड़ा. आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि कहीं टूट ही ना जाए. एंड आई गेस इनका प्राइस भी अराउंड 60-70 रुपीज़ के आसपास था. बट देन अगेन इट वॉज ओके, इट वॉज नाइस. अगर हम रेगुलरली भी अगर परचेज करने जाएँ तो अगर अच्छे ईयर रिंग्स लें तो शायद इससे एक्सपेंसिव ही आएंगे. सो अगर उसको देखा जाए देन आई लाइक इट. फिर गाइज मैंने एक नेक पीस का मंगवाया था. दिस इज एन अमेजिंग नेक पीस. ये बस थोड़ा सा वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, टैंगल हो जाता है, इसको डिटैंगल करना पड़ता है. इसके बहुत ब्यूटिफुल लीव्स हैं, मुझे बहुत डेलिकेट लगता है. अगर मेरी कोई पिक्चर हुई तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ ये जब मैंने पहना था. अब मैं इसको डिटैंगल नहीं करना चाहती वरना यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाएगी, बट इट लुक्स वेरी नाइस.
इसको डिटेंगल करके आई शो यू द पिक्चर ऑन हाउ इट लुक्स, या मैं पिक्चर को इंसर्ट कर दूंगी एक्चुअल में कैसा लगता है. अभी ये काफ़ी ज़्यादा टैंगल हुआ हुआ बिकॉज मैंने पहना था, सो आई विल शेयर द पिक्चर टू. नेक्स्ट थिंग दैट आई परचेज गाइज अगेन वॉज अ नेक पीस. ये कुछ इस तरह का है, इसके साथ ये पर्ल की माला है एंड देन दिस गोल्डन स्टफ है. इसके अंदर तीन ये लगे हुए हैं, लव का साइन है और एक पर्ल का अगेन है. ये मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 से 4 बार वेडिंग्स एंड ऑल में पहना है अपने इंडो वेस्टर्न के साथ. दिस लुक सुपर कूल, सुपर सुपर कूल. इट्स वेरी नाइस इसकी क्वालिटी. और आई गेस इसको मैंने काफ़ी पहले खरीदा था, इसका जो प्राइस था वो भी ओके था, 200 समथिंग के आसपास था. दिस लुक्स अमेजिंग. एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही. मैंने इतना ही स्टफ खरीदा था क्लब फैक्ट्री से, यही मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे थे. आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इन केस यू लाइक द वीडियो प्लीज़ अपने कॉमेंट्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा. And if you like the video, please, please like, share and subscribe to my channel. And bell button ko bhi press kar dijiyega. As always I say ki notifications aapko milti rahengi. And stay tuned for further videos and thanks for watching. Lots of love. Bye-bye.